राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां महिला मोर्चा की वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी आरती सिंह, प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर सहित बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताएं कार्यक्रम में मौजूद रहीं। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से पूरे राष्ट्रीय हमारी जो महिला मोर्चा उसकी तरफ से पूरे देश में आज 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के का मनाने का मतलब एक निर्देश था, जिसमें कि अपने लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने महिला मोर्चा के लिए जिन दीदियों ने अपना जीवन का वो स्वर्णिम जो समय दिया है, ऐसे समय में ऐसे दीदियों को सम्मान करने का एक निर्देश था। और ये पूरे देश में और हमारे झारखंड में प्रदेश स्तर पर और हर जिला में हर मंडल में ये कार्यक्रम हो रहा है, जहाँ पर जो हमारी बहनें हैं, जो दीदियाँ हैं, उन दीदियों को आज इस राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जा रहा है। आज यही वो दिन है 7 अगस्त 1905 को, जो कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और विदेशी सामानों को मतलब बहिष्कार करने के साथ स्वदेशी अपनाने की बात हुई थी। तो ये आज के समय में आज जो है बहुत सारे ऐसे हमारे बुनकर हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उस बुनकरों की स्थिति को उठाने के लिए खुद भी हम ऐसे वस्त्रों को धारण करें और अपने जो लोग हैं ऐसे लोगों को भी हम सम्मान करें, ताकि उन बुनकरों को ध्यान में रख के आज जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की जो शुरुआत की है उसके लिए धन्यवाद देंगे। और ऐसे लोगों को जो कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़े हैं, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का जो भाजपा का जो एक नीति है, सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत ये कार्यक्रम है, जिसमें कि हम कुछ बहुत तो नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि ऐसे बुनकरों को प्रोत्साहित करें, उनके द्वारा निर्मित जो सामान है उसको हम खुद भी इस्तेमाल करें, लोगों को भी इस्तेमाल करने का को कहें और उनके जीवन स्तर में थोड़ा हम कम से कम कुछ डालने का हम एक कोशिश करेंगे, इसका उद्देश्य है। महिला पार्टी राष्ट्र की महिला मोर्चा राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मना करके देश के उन सभी बुनकर भाइयों को ये संदेश दिया है कि हम आपकी रोजी रोटी को जितना व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करके अपने देश के सभी लोगों के पास, जो आज विदेशी सामान को पहन रहे हैं, विदेशी कपड़ों की ओर रुझान था, उसको रोक करके अपने देश से निर्मित सामान को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए एक जो मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का नारा है, उसके तहत लोगों को रोजी रोजगार भी मिलेगा और अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा, ये नारा के साथ साथ उसको क्रियान्वित करके पुरानी महिलाओं को सम्मान दे करके इसका जो आज ने साधुवाद का परिचय दिया है भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, मैं उसके लिए महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कमेटी से लेकर प्रदेश की कमेटी और आगे जिला भी इस कार्यक्रम को करने जा रहा है, तो सभी कमेटी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने घर से निकली हुई उन पुरानी महिलाओं को जो आज शरीर से अक्षमता की वजह से या संगठन का व्यापक रूप होने से जो थोड़ी बहुत ऐसी होती है कि उनको बैठना पड़ता है, वो अगर घर में बैठ गई हैं तो भी पार्टी के लोगों का निगाह उन पर है, उन्होंने उनको बुला करके जो ये आदर दिया है उसके लिए दोबारा मैं उनको ढेर सारा साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ।